हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको डी फॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माको जिसका जो टॉपिक है सेंटर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसी स्ट्रोक पढ़ाएंगे दोस्तों स्ट्रोक को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क घात अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है आप प्ले लिस्ट को ओपन करके सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों हम आपको ऐसे ही हिंदी इंग्लिश मिक्स में डी फॉम सेकेंड ईयर के नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर करिए जो कॉलेज के ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करिए अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता है तो इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि आप भी तैयारी कर लो हिंदी इंग्लिश मिक्स में आप लोगों के पेपर यानी जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके पेपर आपके 10 जुलाई से स्टार्ट हैं पहला पेपर आपका इन्वायरमेंट का है कम्युनिटी का है दोनों सब्जेक्ट हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर आप जाकर वहाँ से देख लें अब हम थेरापिटिक भी पूरा अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो भी वीडियोस बची हैं वो भी अपने चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं स्ट्रोक स्ट्रोक को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क घात स्ट्रोक की कंडीशन तब आती है जब ब्लड रुक जाता है यानी ब्लड रुकने का मतलब क्या है यानी जब आपके ब्रेन में ब्लड पहुँच नहीं पाता है जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है यानी किसी भी रीजन से यानी कुछ भी प्लेग जमा हो जाता है आर ब्लॉक हो जाती है जिस कारण जो ब्लड होता है वह रुक जाता है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक यदि ब्रेन को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ब्रेन की सेल डाई होना शुरू हो जाएंगी यानी जो ब्रेन होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी का होता है ब्रेन तो ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और जब उनकी डेथ हो जाती है तो आपकी बॉडी में ब्रेन अटैक आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक इस इसको ब्रेन अटैक भी कहा जाता है अब जो स्ट्रोक होता है वह कितने टाइप का होता है उसको हम बताएंगे टाइप का हमने एक फिगर बनाया है यानी आपका स्ट्रोक तीन टाइप का होता है एक होता है स्टेमिक स्ट्रोक एक होता है हीमेजिक स्ट्रोक एक होता है ट्रांजिएंट इस्टेमिक अटैक जिसको टी आई एस कहते हैं तो पहला इसका जो टाइप है स्टेमिक स्ट्रोक इसको बताते हैं जो स्टेमिक स्ट्रोक होता है इस टाइप का स्ट्रोक तब आता है जब वे आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं जिसके द्वारा ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है यानी जब आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी तो आपके जो ब्रेन होता है उसमें ब्लड नहीं पहुंच पाता है सिंपल सी बात है तब आपका स्टेमिक स्ट्रोक होता है उसके बाद हीमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है यानी इस टाइप का स्ट्रोक तब आता है जब आर्टरी लीक हो जाती हैं यानी उसमें आपकी ब्लॉक हो रही थी और हीमोरेजिक में क्या होती है आपकी जो आर्टरी होती हैं है, वह लीक हो जाती हैं जिसके द्वारा जो ब्रेन में है ब्लड नहीं जा पाता है और आर्टरी क्यों यानी आपकी लीक होने लगती हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण लीक हो जाती हैं जब आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है आर्टरी पर ज़्यादा ब्लड प्रेशर लगेगा जिसका आर्टरी लीक हो जाती हैं वीकनेस इन ब्लड वेसल्स बास यानी आपकी अगर जो ब्लड वेसल्स हैं वह वीक हैं ब्लड उनमें ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो वह लीक हो जाएंगी जिस कारण आपको हीमोरेजिक स्ट्रोक आने की संभावना होती है उसके बाद जो इसका थर्ड टाइप है ट्रांजिएंट स्टेमिक अटैक इसे मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है इसमें ब्लड का फ्लो होता तो है बट बहुत कम मात्रा में ब्लड का फ्लो हो हो पाता है इसमें ना तो आर्टरी ब्लॉक होती है ना तो आर्टरी लीक होती है बट इसमें ब्लड का फ्लो होता है लेकिन ब्लड का फ्लो जितना ब्रेन को चाहिए उतना नहीं हो पाता है जिस कारण आपका जो ट्रांजिएंट स्टेमिक स्ट्रोक होता है यानी अटैक होता है वह कंडीशन आ जाती है तो दोस्तों आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि स्ट्रोक क्या है और स्ट्रोक के टाइप क्या हैं अब हम इसकी इटियोलॉजी डिफाइन करेंगे देखिए स्ट्रोक की इटियोलॉजी क्या है आर्टरी के ब्लॉक होने से यानी इटियोलॉजी मीन्स होता है कारण क्या है स्ट्रोक क्यों आ रहा है तो स्ट्रोक इस इसलिए आ रहा है कि आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रही है ब्लड वैसे लीक हो रही हैं या ब्रस्ट यानी डैमेज हो रही हैं जिस कारण आपका स्ट्रोक आता है ब्लड का फ्लो कम हो रहा है इस कारण आपका स्ट्रोक आता है तो दो तीन कारण तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके रीज़न क्या हैं रिस्क फैक्टर क्या है यानी स्ट्रोक आने के रिस्क फैक्टर क्या है यानी आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है आप पिज्जा खा रहे हैं बर्गर खा रहे हैं हेल्दी डाइट को नहीं ले रहे हैं तब आपको स्ट्रोक होने की संभावना होती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक अगर आपकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो आपके जेनेटिक रीजन के कारण भी स्ट्रोक आ सकता है ओवर के कारण ओवर एज के कारण स्मोक इलिक्ट ड्रग यानी इलिक्ट ड्रग आपको हमने बताया है जो आपका सब्जेक्ट है फार्मेसी लाइन इथिक्स यानी कोका मॉर्फिन इन ड्रग का आप यूज़ कर रहे हैं तब आपको आने की संभावना है स्ट्रोक की तो ये आपकी होगी इटियोलॉजी यानी रीज़न क्या होते हैं स्ट्रोक के आपने देख लिए हैं उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस यानी स्ट्रोक आता कैसे है इसकी पैथोजेनेसिस बहुत ही आसान है बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी जो पीछे के आपको हमने अभी इटियोलॉजी यानी कारण बताए हैं उन फैक्टर के कारण जब आपकी यानी आर्टरी ब्लॉक होती है या लीक हो जाती है उन फैक्टर जब वो वाले फैक्टर हो जाते हैं तब क्या होता है तब आपकी जो ब्लड सप्लाई है वह कम हो जाती है यानी जब आपकी जो आर्टरी होती है वह ब्लॉक हो जाएगी लीक हो जाएगी जिस कारण आपको जो ब्लड सप्लाई है वह कम हो जाती है कम होने के कारण जो ब्रेन के अंदर सेल हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता है जिस कारण उनकी डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं ब्रेन अपने फंक्शन नहीं कर पाता है जिस रीजन से स्ट्रोक आ जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसकी पैथोजेनेसिस को लिख सकते हैं स्ट्रोक के यानी सिम्टम्स क्या होते हैं जब किसी को स्ट्रोक आता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यानी उसके क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन क्या होते हैं देखिए स्ट्रोक जब आएगा तो डिजीनेस यानी जो पेशेंट होगा उसको थकान महसूस होगी लोस ऑफ कंट्रोल यानी अपनी बॉडी का कंट्रोल वह समाप्त कर देगा यानी ख़त्म कर देगा बोलने और समझने में प्रॉब्लम होगी उसको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी यानी फेस पर पैरालिसिस हो जाएगा यानी जो पैरालिसिस होता है यानी आपका शरीर सुन्न हो जाता है यानी कोई बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाना उसको पैरालिसिस कहते हैं यानी फेस पैरालिसिस हो जाएगा आपके पैर पैरालिसिस हो जाएंगे और जो बॉडी का इसमें ज़्यादातर बॉडी के वन साइड यानी एक पार्ट जो होता है बॉडी का आधा हिस्सा वे आपका पै पैरालसिस हो जाता है ब्लड विजन आपको देखने में प्रॉब्लम होगी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएंगी जिस कारण आपको देखने में प्रॉब्लम होगी सीवियर हैड एच यानी आपके ब्रेन में बहुत तेज़ दर्द होगा यानी ब्रेन में भी दर्द होगा उसके बाद जब ब्रेन में दर्द होगा तो आपके सर में भी बहुत दर्द होगा जिसको हम कहते हैं सीवियर हैडच तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए हैं इसके जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है जब आपको स्ट्रोक आता है यानी स्ट्रोक नहीं आया या नहीं आया उसके बाद आता है तो सबसे पहले क्या वर्क करना चाहिए इसमें ऐसा तो है नहीं अपने पास दवाई रखी हो या जो भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, वो लगा दें ऐसा नहीं है इसमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और जल्दी से उसको डायग्नोसिस प्रोवाइड करानी चाहिए जिस पर्सन को भी स्ट्रोक की कंडीशन आ रही है तो ये इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गए हैं और इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन यानी मेडिकेशन के साथ इसको ट्रीट करना चाहिए इसमें आता है अल्टीप्लेस इंजेक्शन जो आता है वो सबसे पहले इसको देना चाहिए अगर स्ट्रोक की कंडीशन हो रही हो एंटीकोगलेंट ड्रग देना चाहिए जैसे हिपेरिन बारफेरिन यहाँ पर लास्ट में एन बना हुआ है बारफेरिन और उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जैसे ऑपरेशन करके यानी जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है ब्लड रुका हुआ उसको ठीक करना और जो मैकेनिकल मेथड होते हैं उनके द्वारा ब्लड क्लॉट को यानी सही किया जाता है जिस कारण जो स्ट्रोक वाला पेशेंट होता है वह सही हो जाता है और फिर से वह वर्क करने लगता है दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम इसका पी भी इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं हम आपके लिए सभी काम कर रहे हैं जो आप कमेंट कर रहे हैं वैसे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी एक काम है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से कहिए कि जो देव फार्मेसी वाला चैनल है उसको देखें उसको समझें और एक बार दोस्तों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद दोस्तों